कारगिल युद्ध के दौरान अर्की के अमर शहीद कैप्टन बिजयंत थापड़ ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए कारगिल युद्ध में हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। कैप्टन थापड़ जिनका सोलन जिला के अर्की मुख्यालय से गहरा रिश्ता रहा, अर्की में उनका ननिहाल था और उनकी शहादत को याद करते हुए उनके परिजनों द्वारा नागरिक अस्पताल अर्की के समीप ही उनके नाम पर कैप्टन बिजयंत चौक का निर्माण किया गया, जहाँ उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। आज अर्की प्रशासन व उनके परिजनों द्वारा कारगिल युद्ध के हीरो रहे इस वीर सपूत की शहादत को याद किया गया। इस दौरान अर्की प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार रामपाल द्वारा माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने शहीद थापड़ के बलिदान को याद करते हुए उनकी वीर गाथा का गुणगान किया। इस अवसर पर शहीद कैप्टन बिजयंत थापड़ के मामा के भारद्वाज और नायब तहसीलदार रामपाल ने कहा कि आज पूरा देश और देवभूमि हिमाचल शहीद बिजयंत थापड़ की शहादत को श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अमर शहीद कैप्टन बिजयंत थापड़ ने अपना जीवन देकर देश की रक्षा की है। ये जज्बा सभी युवाओं में होना चाहिए और देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे शहीद बिजयंत थापड़ को शत शत नमन करते हैं और साथ में उनके माता पिता को भी नमन करते हैं, जिन्होंने शहीद कैप्टन बिजयंत थापड़ जैसे वीर को जन्म दिया। श्री बिजयंत थापड़ जी को अर्की के नाती थे का शहीदी दिवस था। कैप्टन बिजयंत थापड़ जी ने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज अर्की प्रशासन द्वारा देश के अमर जवान कैप्टन बिजयंत थापड़ जी को जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सत सत नमन किया गया। मैं अर्की प्रशासन की तरफ से उनके माता पिता व उनके परिवार को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया और देश का गौरव बढ़ाया। ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 1999 का वो दिन जिस दिन भारत माँ के इस वीर सपूत कैप्टन बिजयंत थापर ने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध के दौरान हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, पूरा देश एवं देवभूमि हिमाचल इस वीर सपूत को शत शत नमन करता है और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। आज हम सभी लोग इन्हें शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं।